क्या करना है, डायरेक्टली अपनी ईएमसी को ओपन करना है, ठीक है, उतारना है। पहले हमारी कोशिश यही रहेगी क्योंकि हम आईएसपी के साथ कनेक्ट कर ले, नहीं हो रहा है तो सेकंड केस में हम लोग उसको उतारेंगे। अब पेस्टेड है, नॉन पेस्टेड के डर में रहोगे तो फिर तो काम हो गया आपका, ठीक है। जंपर की लेंथ देख लो, अगर कैमरे में दिख रही हो तो शायद बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे खत्म, ठीक है, मतलब कि जितनी आप स्मॉल रख सकते हो ना, अगर इससे भी ज्यादा छोटी रख सकते हो रख लो, कोई टेंशन नहीं, आपके काम के ऊपर बात है। तो सबसे पहले मारेंगे हम लोग यहाँ पे डेटा जीरो, तो डेटा जीरो चेक करेंगे सबसे ऊपर है यहाँ बीच में, ये है वीवो का Y51, ठीक है, तो डेटा जीरो हमारा। आप चाहो तो टीजर यूज कर सकते हो, मैं हाथ से कर रहा हूँ पकड़ने के लिए, ठीक है। बारीक वाले टीजर आते हैं ना आपके जी, उसका यूज कर सकते हो। और जब भी आप जंपर करो तो याद रखना कि जहां भी जंपर कर रहे हो ना स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ा बहुत हिले और अपनी जगह से टूट गया ना तो बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। उसके बाद है हमारा सीएमडी, सीएमडी बिल्कुल इसके अलग साइड, आगे हाथ में आ गया, कोई नहीं बुला रहा, पहले सीएमडी लगा, पहले बीसीसी चालू करो सर, ऊपर चढ़ रहे हैं सारे सीधे जंप पर, लास्ट में ट्रेलर पर यही है, छे बताई थी किसने,
ड्रोन हम कहीं भी मार सकते हैं। यस सर। जैसे प्रोसेस में अगर फोन चल रहा है या जंपर टूट गया तो कई बार फोन डैड हो जाता है ना, जैसे टूट सकता है जंपर टूट गया, फोन भी टूट सकता है अगर जंपर टूट गया बीच में तो दोबारा स्टार्ट से होगा, फोन डेड तो नहीं होगा ना, फोन डेड होगा क्यों नहीं होगा, दोबारा करना पड़ेगा वही सारा स्टेप जो आपने स्टार्टिंग से किया था, हो जाएगा फोन होगा तभी तो हम बैठे हैं, अभी उन्हें क्यों बैठते हैं, अगर आपको पता है आईएसपी ईएमसी के अंदर है और आपको पता है इस जगह पे है बिल्कुल नहीं, थोड़ा एडवांस बनने का है तो डील कर सकते हो, वरना उतारना सेफ है, दोनों ऑप्शन आपके पास है, एडवांस बनना है हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक ड्रिल उठाना मोटिवेटली एक ही बार में काम खत्म, दूसरे बार की टेंशन नहीं रहेगी, लगा मेरे पास शॉर्ट वायर है इसलिए मैंने सिंगल लगाई है, आप जो वायर यूज करोगे ना अपने शॉप के ऊपर तो डबल कर, ये हम ज्यादातर रेड वाला यूज करते हैं, आप कोई भी वायर यूज करते हैं वो पास में अगर दूर अंदर हो तो, आरएफ केबल देखिए ना मोबाइल फोन की, यस सर, आरएफ केबल की वायर लेना उसको ग्राउंड के साथ यूज करना, बढ़िया काम करेगा, ये रही ना आरएफ नेटवर्क वायर, नेटवर्क वायर जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है तो हम खोल लेते हैं, मैं अपना UFI का EMC टूल बॉक्स कहीं दिख रहे तो मुझे दिखा देना, वैसे ये सर लग रहा है स्पेक्स लगवाने पड़े कि आज की चीज जल्दी दिखाई नहीं देती है ना सर, ये पीछे की वो वॉलपेपर चेंज कर लो, वॉलपेपर चेंज कर लो पीछे वाला सर, उसके से दिक्कत है, ठीक है तो यहाँ करेंगे हम लोग डायरेक्ट EMC ISP पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे ISP के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और फिर करेंगे आइडेंटिफाई, यहाँ पे क्या आया है VCC क्यों नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड, तो जो हमारा VCC क्यों का जम्पर है हो सकता है वो वीक हो जिस कारण से ये एरर हमें डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है तो VCC क्यों का जम्पर ये है, चेक कर लेते हैं एक बार, कनेक्टेड है ये VCC क्यों है, ये भी परफेक्ट है ठीक है, बॉक्स देना जिसने नया बॉक्स परचेज किया है अभी वो दे दो साथ के साथ, बॉक्स दो अपना, ये इसके अंदर ना एक वायर आती है ये इस तरीके की, ठीक है इस वायर का यूज अब कर रहे हैं, ठीक है इसके साथ हमें क्या करना है, इससे हम अपने बॉक्स को ना 5 वोल्ट एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है क्या करेंगे इस वायर के साथ हम अपने बॉक्स को 5 वोल्ट एक्स्ट्रा दे रहे, क्यों, क्योंकि हमारा बॉक्स के साथ ही इसको 3.3 वोल्ट चाहिए, VCC क्यों चाहिए साथ में, अगर इस केबल के साथ इसको ये
वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रही होगी तब भी क्या है, ये सेम ही एरर आएगा जो अभी हमें देखने को मिल रहा है वीसीसी के ऊपर, ठीक है। अभी एरर आया तो कंपलसरी हो गया, एरर नहीं आएगा तो कंपलसरी नहीं है। हाँ कर सकते हो, थोड़ा सा इधर कर दो, इधर हो जाए तो थोड़ा और थोड़ा उससे नहीं करना है, ठीक है। डेढ़ तो लगेगी, पांच मिनट एक्स्ट्रा, अभी भी सेम इशू है। यहाँ पे देख रहे हैं वीसीसी वीसीसी क्यों, इसकी वोल्टेज को हम लोग चेंज करेंगे, इसको कर रहा हूँ 2.8 और इसको कर रहा हूँ मैं 3.3, फिर आइडेंटिफाई कर रही हूँ। ठीक है, इसको 3.3 और वीसीसी क्यू को 3.0। सर वीसीसी क्यू को हमेशा कम रखना है, वीसीसी को हाई रखना चाहिए, वीसीसी आपकी हाई वोल्टेज होगी, वीसीसी क्यू हमेशा कम रहेगा वीसीसी क्यू के मुकाबले। ठीक है, वीसीसी वीसीसी क्यों नॉट आ रहा है, एक बार हम इसको यूएसबी के साथ भी पावर दे के देख लेते हैं। छोड़ निकाल दो, वीसीसी वीसीसी क्यों हटा दिया है मैंने अभी, ठीक है। सर वो बैक निकाल के पत्ते ही निकाल लो, ये क्या है इसकी कौन सी सप्लाई, किस चीज का जान नहीं का, ऊपर वाले में लगा दे नीचे वाले में जम्पर, ये नहीं आ रहा, बेल्ट वाले केबल होगी ना, लगे गए थे आपको ट्वीज़र 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 कैसे ठीक है।
मल्टीमीटर दोगे एक बार कनेक्ट ना होने के पीछे का रीजन पता होना चाहिए ना, मेरा रीजन क्या है। यहाँ पे देखो वीसीसी वीसीसी क्यों के ऊपर ना वोल्टेज ही जनरेट नहीं हो रही सर, पावर इश्यू दिक्कत हो रही है। नहीं ऐसा नहीं कह सकते कि पावर के अंदर इश्यू हो सकता है, जो ये यूएसबी वाली लाइन है ना, अगर वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे रही होगी तब भी ये दिक्कत आएगी, क्योंकि वोल्टेज अभी कहाँ से मिल रही है हमारे मदरबोर्ड को, यूएसबी के साथ। यूएसबी के साथ वोल्टेज मिलने के बाद जो ये हमारा आईएसपी कनेक्ट नहीं हुआ है आपके कंप्यूटर के साथ, उसके पीछे का रीजन यही है कि हमें वीसीसी और वीसीसी क्योंकि वोल्टेज नहीं मिल रही है, जिस कारण से जो हमारा मोबाइल फोन वो कनेक्ट नहीं हो रहा है इसके साथ। ऐसी कंडीशन में सेफेस्ट वे है उतारना। मतलब कनेक्ट ना होने के पीछे का रीजन ही यही है कि आपका जो आईएसपी है वो प्रॉपर है लेकिन वीसीसी वीसीसी क्यों प्रॉपर नहीं मिल रही। ये हमारी ईएमएमसी की ना एक तरीके से डिटेक्शन वोल्टेज है, ठीक है, पहली चीज तो ये। सेकंड, जब भी आप वीसीसी वीसीसी जो आपके सिस्टम के साथ या आपके ईएमसी को प्रॉपर मिलेगा तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में ना उस सीपीयू का पोर्ट क्रिएट करेगा। अगर क्वालकॉम होगा तो क्वालकॉम डिस्प्ले करेगा, मीडिया टेक होगा तो मीडिया टेक डिस्प्ले करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं होगा। तो सीधा सा बात ये है कि हमारी ईएमसी को वीसीसी वीसीसी क्यों प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जिस कारण से ये ईएमसी डिटेक्ट नहीं है। इस टाइम पे हमें ईएमसी ओपन करना है या आपके जो फ्लेक्स वगैरह या चार्जिंग का चार्जिंग केबल्स हैं इसके अंदर इशू हो सकता है, या चार्जिंग जैक है उसके अंदर इशू हो सकता है। वोल्टेज बना के दे दो भाई,
ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना। तो जब भी आप इस तरीके से देखोगे ना कि आपकी कोई आईएसपी कनेक्ट नहीं हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मोबाइल फोन क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है। चलो उसको हाँ कर। जब भी डेटा लाइन ओपन होगी ना, तो यहाँ पे लिखा आएगा फेल टू रीड EXECSD, ठीक, फेल्ड टू रीड EXECSD। इसका मतलब ये है कि आपके EMC की जो डेटा जीरो लाइन है ना, ओपन है। सारी कहानी इसी के अंदर आ गई, बताओ। लाइव हो रहा था, पता है, देखेगा कल्पेश भी है साथ में, मत देखो, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ठीक है, देखो जंपर मारने का जो मेथड है वो यही रहेगा, लेकिन याद रखना है जब भी आप क्लॉक का रजिस्टर यूज कर रहे हो ना, इसके अंदर देखेंगे तो क्लॉक का क्या है, एक तरीके से टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर का यूज नहीं है। लेकिन जब भी आप यहाँ पे कभी भी रजिस्टर का यूज होता है ना, तो आयरन का टेम्परेचर मेंटेन करके काम करना है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ओपन होने के चांसेस 100% है, वो ओपन होगा ही, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है। ये लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती, इस पे लिखा है हिंटो कंटो गंडो बोंडो बसंडो, समझ में आया? अल्लाह कैन एक्सप्लेन इट, कहने को टिक टिक सैंपेंसी। आईएसपी पिन आउट एक बार दोबारा देख लेते हैं कैसे मिलेगा इंटरनेट पे से। जो भी आपके पास मॉडल हो, जैसे मेरे पास है यहाँ पे रियलमी C2, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया रियलमी C2, आगे लिख दिया आईएसपी पिन आउट, एंटर करेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे बीच में स्क्रैच करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसलिए आपकी हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर हैंड स्किल अच्छी नहीं होगी तो ये सारे ट्रैक ना साथ में अटैच है, ठीक है। फिर CPU और EMC दोनों ही उतारना पड़ेगा आपको लाइन बनाने के लिए। ऐसे यहाँ पे तो आपको फिर भी दिख रहा है स्पेस, लेकिन मदरबोर्ड पे जब आप देखोगे तो DLM तो इतना स्पेस नहीं दिखाई देगा। अभी अगर आपने जंपर के अंदर काम किया है तो इसका कंडीशन में आपने ब्रेक कर दिया इसको, तो फिर जंपर करना है ना, तो हो सकता है इधर से भी ट्रैक डैमेज हो जाए, ठीक है। ये देखो इस तरीके के पॉइंट्स है, बिल्कुल ही। और दिखाता हूँ मैं कुछ, क्लॉक CMD डेटा ग्राउंड ऑटोमेटिक VCC को जंपर से देना है। नहीं, ये देख लो एक जंपर है ओप्पो A520 का, बीच में पॉइंट्स है। एक तरीका और है, अगर आप चाहते हो बिल्कुल ही सेफ जंपर करना, ठीक है,
कई बार क्या होता है सीपीयू ईएमसी के बीच में जब जंपर्स होते हैं ना, या कई बार हम ट्रैक के ऊपर जंपर कर रहे होते हैं, तो हम लोग आयरन की वजह से ना उस ट्रैक को ओपन कर देते हैं या डैमेज कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे कि इन दोनों के बीच में मुझे जंपर करना है, अभी तो चलो फिर भी मेरे पास स्पेस है और मुझे बाई चांस कैमरा दिख रहा है ना दरअसल, बाई चांस मैं मान लेता हूँ इन दोनों के बीच में ना मुझे कोई टेस्ट पॉइंट जनरेट करके ना, मतलब स्क्रैच करके फिर मुझे उसके अंदर जंपर करना होता, तो उस टाइम पे हम लोग क्या गलती करते हैं, जब आयरन यूज करते हैं ना तो उस पॉइंट को डैमेज कर देते हैं, मतलब सीपी और ईएमसी के बीच का कम्युनिकेशन खत्म कर दिए। तो कैसे कर सकते हैं हम सेफ जिससे कि कम्युनिकेशन खत्म ना हो, छोटे एसएमडी से, छोटे आयरन से, और ब्लेड से खुरच के, ब्लेड से खुरच के जंपर, ठीक है ब्लेड से तो खुरचना है ही है, खुरच नहीं है सर ब्लेड, ठीक है, और पेन आयरन का यूज करना और वोल्टेज कम रखना, वोल्टेज कम रखना उसकी हीटिंग सर, छोटा है जंपर मार के इसको क्या बोलते हैं यूवी मास्क लगा के, ठीक है, और कोई अपना ओपिनियन रखना चाहेगा मैं तो बताऊंगा ही। सुई देखी है सभी ने घर में? यस सर। मैं यूज करती है ना हमारी सुई, हाथ से जिसको सिलते हैं कपड़े को सिलते हैं, जिससे सुई के आगे का हिस्सा ना बिल्कुल पहना होता है, अगर मैंने वो गलती से मदरबोर्ड पे लगाया तो शायद आर पार भी हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, जो एक जो नुकीला हिस्सा है ना उसको कट कर देना है, और उसके ऊपर वाले हिस्से के ऊपर क्या करना है, जंपर करना है हमें, और उस सुई को उस जगह पे टच कर देना, कोई जंपर करने की जरूरत नहीं। जैसे कि मान लेते हैं यही हमारी सुई है या ये हमारी सुई है, तो हमें क्या करना है, इस नुकीले हिस्से को कट किया, ऊपर होता है ना धागा डालने के लिए, उसके अंदर हमें जंपर डालना है, सोल्ड करना है। बाई चांस मुझे अनलॉकिंग के लिए हम सबसे ज्यादा आईएसपी पिन आउट का यूज करते हैं, तो हमें क्या करना है, सारे जंपर कर दिए हमने, बीच में हमें जस्ट इस तरीके से होल्ड करना है और इस हाथ से आइडेंटिफाई करना है एक बार, और यहाँ स्पेशल टास्क में जाके फैक्ट्री रीसेट कर देना, जैसे फैक्ट्री रीसेट कंप्लीट होगा इसको छोड़ देना, सेफ का सेफ और आपका काम भी जल्दी, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि दिक्कत मतलब कि डैमेज होने के चांसेस ना ना के बराबर, किस्मत खराब हुआ तो, किस्मत खराब हुई तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, तो इस तरीके से भी कर सकते, ठीक है। तो सर इनका सीपीयू कुछ मैं नहीं बता रहा कुछ नहीं भाई सर, जिस दिन आपका ब्लैक पेस्टेड होगा उस दिन देखेंगे इसको, पर तो साले को बता देंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे इजी सर्किट। जी सर, चलो।